बंगाल वॉरियर पिछले तीन मुकाबलों में ऐसा देखा नहीं। मनिंदर फिर बाहर, रेडर आउट, वन पॉइंट नबिल तलेवास। डू और डाई में राहुल चौधरी आए हुए हैं इस समय। 58% उनका स्ट्राइक रेट होता है यहां इस सीजन में, ये स्ट्राइक रेट है। ये देखिए अजय ठाकुर ऑल आउट से क्या बचा पाएंगे अपनी टीम को। टच पॉइंट लेना होगा, बोनस से बात बनेगी नहीं। बोनस शायद इंश्योर किया, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इस बोनस को लेकर के। 7 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट बंगाल का, मात्र 1 टैकल पॉइंट जीवा के नाम है। रनिंग हैंड टच, अजय लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नवीन ओ इस बार झपट्टा मारा, अजय ठाकुर आउट, तमिल तलाईवास ऑल आउट। पहले हाफ में ही सुपर 10 पूरा कर सकते हैं, ये भी प्रपंजन भी फिलहाल आउट, चेन का शिकार मनजीत छिल्लर जिंदाबाद। मनिंदर एक बार फिर रेड पर, यहां 7 का डिफेंस है और बंगाल वॉरियर्स के अब सिर्फ 3 प्लेयर्स बाकी हैं, यानी कि बंगाल वॉरियर्स को टच पॉइंट्स लेने होंगे, अपने प्लेयर्स को रिवाइव कराना होगा। ये लिया रन सिंह एक बार फिर बाहर, बंगाल वॉरियर्स एक और खिलाड़ी बाहर नहीं चाहिए तो राहुल को पॉइंट लेना होगा, क्योंकि डू और डाई रेड है। राहुल चौधरी को अब तक एक ही कामयाबी मिली है आज। राहुल चौधरी खड़े खड़े डैश कर दिए गए। अब ये देख लीजिए डू और डाई आनंद, क्या आपकी टीम को सचमुच आनंद दे पाएंगे इस डू और डाई में। काफी दूर से खेल रहे हैं, उन्हें इंतजार है डिफेंडर्स के उनके नजदीक आने का। डिफेंडर शायद ये गलती ना करना चाहेंगे, ना करें तो बेहतर है। पिछले मुकाबले में 19 फेल टैकल थे, अब तक संयम बरता है बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस में। जीवा आए, आनंद का जबरदस्त एस्केप, बिल्कुल करती है, लेकिन देखना ये होगा कि राहुल कितने अच्छे फॉर्म में है। अजय हैं, अजय ठीक ठाक फॉर्म में है, सेकंड हाफ में कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स उनके नहीं है, फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने जो हासिल किए। शब्बीर बापू गए बिल्कुल, लेकिन प्रपंचन अब वहीं रुके हुए हैं जहां वो थे। ये देखिए अब आगे बढ़ेंगे, ये सुपर 10 प्रपंचन का हो जाएगा। मंजीत हमेशा कुछ ना कुछ सीख दे के भेजते हैं, अजय ठाकुर को आउट होने से बचना है।